हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं DHFL की, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की। DHFL की बात क्यों करें आज हम लोग? अभी एक दो दिन पहले एक न्यूज़ आई थी कि वाधवन फैमिली, एक बहुत बड़े मतलब इंडस्ट्रियल हाउस हैं, वो थोड़ा घूमने फिरने निकल गए थे। कोरोना चल रहा है, ठीक है, वो अमीर लोगों को कोरोना थोड़ी होता है, तो वो अपने पूरे परिवार के सहित, जिसमें उनकी खानसामा और उनके बॉडी गार्ड वगैरह सब थे, 20-22-23 लोग थे, 4-5 गाड़ियों में निकले थे और बढ़िया बॉम्बे से अपना आसपास के स्टेशन वगैरह पे घूम के आए थे। तो उसके ऊपर काफ़ी बाजार में चर्चा चल रही थी कि भाई क्या है। तो देखिए, उनके ऊपर काफ़ी चर्चा चल रही थी कि भाई इन लोगों को इजाज़त किसने दी, और ये तो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हम जिनको क्रिमिनल मान के ही चल रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने कुछ फ्रॉड्स किए हुए हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जरा हम बैकग्राउंड लेना चाहेंगे कि भाई ये DHFL का फंडा क्या है। DHFL एक NBFC है, NBFC यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी एक ऐसी कंपनी है जो बैंक तो नहीं है लेकिन लोगों को लोन देने का कारोबार करती है, और ऐसी सैकड़ों हजारों कंपनियां भारत में हैं। ये कई साल पहले राजेश वाधवन ने चालू की थी, अभी तो उनकी मृत्यु हो गई है, तो उनके दो लड़के धीरज वाधवन और कपिल वाधवन अभी इसको चलाते हैं। और इस कंपनी ने क्या किया, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, कोई भी कंपनी होती है उसको पैसे की ज़रूरत है, वो पैसे के बिना तो सब चल नहीं सकती। अब पैसा आता कहाँ से? पैसा दो जगहों से आ सकता है, या तो हमारा पैसा है किसी और का पैसा, हमारा पैसा यानी इक्विटी, दूसरे का पैसा यानी डेट, यानी कंपनी के मालिक या तो अपनी कंपनी में खुद पैसा लगा दें या किसी से उधार मांग लें। इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इसमें करीबन 8,795 करोड़ रुपये कंपनी के मालिकों ने लगाया था, यानी जो इक्विटी थी, और जो डेट था उधारी थी वो थी 96,880 करोड़ उसकी, यानी करीबन 11 गुना ज़्यादा, यानी हमने 1 रुपये लगाए और जनता से 11 रुपये मांगे, ठीक है। अब इसमें एक खास बात यह है कि जो 96,880 करोड़ है, इसमें पब्लिक से लिया हुआ डिपॉजिट भी शामिल है जो करीबन 9,225 करोड़ का था, यानी ये कंपनी जो है इतने हजारों करोड़ का जो धंधा कर रही है, इसका पूरा पैसा कंपनी के मालिकों का नहीं है, इसमें जनता का भी पैसा है, इसमें बैंकों से लिया गया उधार है, इसमें डिबेंचर का पैसा और बहुत अलग अलग जगहों का पैसा है। खैर, 29 जनवरी 2019 कोबरा पोस्ट करके एक वेबसाइट है, उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन किया और एक छोटा एक बहुत बड़ा सा उन्होंने एक न्यूज़ आर्टिकल निकाला, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि DHFL ने 31,000 करोड़ रुपए का पैसा साइफन किया है। साइफन को अगर हम हिंदी में कहें तो गबन किया है, ये पैसा उन्होंने गायब कर दिया। कैसे किया उन्होंने ये पैसा गायब? देखिए, उन्होंने शेल कंपनीज का इस्तेमाल किया। अब आप कहेंगे सर ये शेल कंपनीज क्या होती हैं? शेल कंपनीज होती हैं नकली कंपनियाँ, ऐसी कंपनियाँ जो एक्चुअली एक छोटे से कमरे को हेडक्वार्टर बना के बना दी जाती हैं, जो मिनिमम 1 लाख रुपए की कैपिटल से बना दी जाती हैं, जो कोई कारोबार जनरली नहीं करती हैं, जहां सैकड़ों कंपनियों का हेडक्वार्टर कई बार देखा गया है कि एक ही छोटा सा रूम होता है। यानी शेल कंपनियां एक्चुअली कोई काम में नहीं आती, बस ये पैसा इधर से उधर करने के काम में आती हैं। तो DHFL ने क्या किया? DHFL ने पहले ऐसी बहुत सारी सैकड़ों शायद शेल कंपनीज बनाई, और ये जो पैसा था, जो इनका खुद का पैसा एक्चुअली नहीं था, ये जनता का पैसा और बैंकों का पैसा है, उसमें से कुछ 31,000 करोड़ रुपए के आसपास उन्होंने इन शेल कंपनीज को दिया, ठीक है। शेल कंपनीज ने ये पैसा आगे उन कंपनीज को ट्रांसफर किया जो वाधवन ग्रुप के लोगों की कंपनियां थी, यानी वाधवन ने किसी दूसरे आदमी को पैसा दिया, उस आदमी ने तीसरी कंपनी को पैसा दिया जो अगेन वाधवन के ही मालिकी की कंपनी थी। यानी बेसिकली वाधवन ने जनता से पैसा लिया, बैंकों से पैसा लिया, और सिर्फ अपनी कंपनी तक वो पैसा पहुंचा लिया। इस पैसे का उपयोग किया गया देश विदेश में एसेट्स यानी संपत्तियां खरीदने में। कुबरा पोस्ट ने दावा किया है कि इन कंपनीज ने 4,000 करोड़ रुपए के आसपास विदेश में और 1,000 करोड़ रुपए के आसपास भारत के अंदर उन्होंने संपत्तियां खरीदी। इवन जैसे भारत में IPL है, इंडियन प्रीमियर लीग, वैसे ही श्रीलंका का है श्रीलंकन प्रीमियर क्रिकेट टीम, तो सर इसमें तक एक क्रिकेट टीम खरीदी गई वाधवन ग्रुप के द्वारा, ऐसा कहा जा रहा है। ये जो पैसा दिया गया था इन अलग अलग कंपनीज को, तो अब आप पैसा उधार तो दे रहे हैं, लेकिन आप कह तो नहीं सकते कि भाई उधार दे रहे हैं तो इसका रीज़न क्या है। तो स्लम डेवलपमेंट का रीज़न था। स्लम डेवलपमेंट का मतलब होता है कि हम ये पैसा देंगे और आप क्या करेंगे इस पैसे से, उस जो झोपड़पट्टी है उसको हटा के वहाँ पे बड़ी बड़ी आप इमारतें बनाएंगे और जो मतलब लीगल काम रहता है। लेकिन पता चला ये जिन भी कंपनीज को ये पैसा दिया जा रहा है उनमें से कोई भी उस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं था। 31,000 करोड़ रुपये जेब से चले गए सब कंपनी के, और ये जनता का पैसा था। RBI
सेबी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन लोगों की नाक के नीचे से, और ये आपको शायद पता भी नहीं चला। सर 3 सितंबर 2018 को इस कंपनी के शेयर का मूल्य 690 रुपये के आसपास था और आज इसका मूल्य 10 रुपये के आसपास है। यानी जो पैसा जनता ने उधार दिया कंपनी को, वो भी कंपनी ने गायब कर दिया। जिन लोगों ने इस कंपनी के शेयर खरीदे, शायद 690 रुपये पे किसी ने शेयर खरीदा होगा, आज उसकी वैल्यू 10 रुपये, यानी शेयर होल्डर्स वेल्थ भी गायब हो गई। जाहिर सी बात है कि जब ये पोस्ट आई, जब ये न्यूज़ आई, तो DHFL ने कहा कि नहीं नहीं सर, ये तो गलत न्यूज़ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन सर 6 जून 2019 को कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया। डिफॉल्ट कर दिया का मतलब यह है कि जो पैसा लोगों से उधार लिया वो भी चुकाना भी पड़ेगा। तो जिस दिन चुकाने की तारीख है, उस दिन कह दिया सर हमारे पास तो पैसा नहीं है। अब सब पैसा होगा कहाँ से, वो तो आपने पूरा साइफन कर दिया, वो तो पूरा आपने गबन कर दिया। पॉलिटिकल करप्शन की बातें हुई, ऐसा कहा गया कि भाई इतना बड़े कांड हुए हैं तो कहीं ना कहीं शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा वगैरह दिया गया, और वो जनता, पहली बात तो आपको उधार देने, आपको उधार वापस करने का पैसा नहीं है, आप चंदा दे रहे हो। प्लस जो चंदा दिए गए उसमें जो कुछ कंपनीज एक्ट के कानून होते हैं कि भाई कितना चंदा दिया जा सकता है, कौन सी कंपनी चंदा दे सकती है, उनका भी उल्लंघन हुआ है यहाँ पे। 2010 में DHFL ने एक कंपनी थी सन ब्लिंक रियल एस्टेट, उसको 2,186 करोड़ के आसपास का लोन दिया था। अगेन उन्होंने काम दिया था अलग अलग डेवलपमेंट इश्यूज के लिए। पता चला इस कंपनी का संबंध है इकबाल मिर्ची से, और जनाब इकबाल मिर्ची माने जाते हैं आदमी दाऊद इब्राहिम के। यानी इवन मतलब पैसा खिसकाना ही कम नहीं है, हमें तो साहब अंडरवर्ल्ड और इंटरनेशनल टेररिस्ट लोगों के साथ भी संबंध रखना है। खैर, कपिल वाधवन जो इस कंपनी को चला रहे थे, जनवरी 2020 में उनको अरेस्ट कर लिया गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा, क्योंकि ये इकबाल मिर्ची और इस प्रकार के साइफनिंग ऑफ से संबंधित थे। उसके एक आध महीने बाद इनको बेल मिल गई और अब फ्री थे, तो क्या करते, तो साहब अपने फैमिली के साथ पिकनिक मनाने निकल गए। लेकिन इसका एक दूसरा सिरा भी है, वो सिरा है ये पैसा आपने दिया, लेकिन आपने ये पैसा शायद बैंकों से भी लिया था। उनमें से एक बैंक था यस बैंक। अब यस बैंक की थोड़ी बात कर लें, तो यस बैंक एक ऐसा बैंक है जो राणा कपूर ने स्थापित किया था, फाउंडर थे। तो अब एक बैंक का काम क्या होता है, जनता से पैसा लेना और जनता को पैसा देना। ये अपना पैसा नहीं है, राणा कपूर का पैसा नहीं है जो लोगों को दे रहे हैं। राणा कपूर आप और हमारे जैसे लोगों से पैसा मांगेंगे और कहेंगे चलो आपको डिपॉजिट आपसे ले लेंगे, हम किसी को लोन पर दे देंगे, ठीक है, ये धंधा होता है। तो राणा कपूर साहब ने ये बैंक फाउंड किया था और 3700 करोड़ के आसपास का लोन इन्होंने DHFL को दिया, ठीक है। इसके अलावा एक 750 करोड़ का और लोन दिया गया आर के डब्ल्यू डेवलपर्स को। अब ये आर के डब्ल्यू डेवलपर्स के मालिक कौन है, अगेन वाधवान ग्रुप के धीरज वाधवान है। यानी अगेन यही पैसा आपने वाधवान को इधर से ना देके उधर से दे दिया। जाहिर सी बात है ये पैसा आपने क्यों दिया था, ये आपने दिया था बांद्रा क्षेत्र के रिक्लेमेशन के लिए। रिक्लेमेशन का मतलब होता है कि जो समुद्र का पानी है उसमें मिट्टी डाली जाएगी और वहां पे जो जमीन बनेगी उसका कुछ अलग अलग डेवलपमेंट किया जाएगा। अगेन ये काम आर के डब्ल्यू डेवलपर्स के द्वारा नहीं किया गया। पूरे पूरे 750 करोड़ रुपए को अगेन साइफन ऑफ कर दिया वाधवन ग्रुप ने। और भाई अगर राणा कपूर आंखें बंद करके लोन दे रहे हैं, जनता का लोन, पब्लिक का लोन दे रहे हैं, पब्लिक के पैसे का लोन दे रहे हैं, तो राणा कपूर को भी कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि 600 करोड़ रुपए की रिश्वत राणा कपूर को मिली। अब डायरेक्टली तो नहीं देंगे, तो ये रिश्वत कैसे मिली, तो DHFL ने 600 करोड़ रुपए का लोन दिया, और ये लोन दिया गया एक कंपनी को जिसका नाम है DOIT अर्बन वेंचर्स। तो DOIT अर्बन वेंचर्स की मालकान राणा कपूर की पत्नी और राणा कपूर की 3 बेटियां हैं। यानी आपस में ही खेल लीजिए साहब, है ना। यानी हमारा ही पैसा बैंक भी गलत लोगों को दे दे और उसके प्रमोटर वो पैसा खा जाए, हमारा ही पैसा हम कंपनीज को दे दें तो कंपनीज के प्रमोटर भी वो पैसा खा जाए, और इस प्रकार से खा जाए कि उनको शर्म भी नहीं है। क्यों शर्म नहीं है, क्योंकि भाई कोरोना का संकट चल रहा है लेकिन उनको पिकनिक मनाना है। खैर सर, राणा कपूर को मार्च 2020 में अरेस्ट कर लिया गया है और अभी उनसे पूछताछ चल रही है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, राणा कपूर ऐसे पहले बैंक के चेयरमैन है जिसको RBI ने कहा था कि भाई आपको ये चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। आज तक RBI ने ऐसा इंटरवेंशन और किसी के साथ नहीं किया, यानी कहीं ना कहीं RBI को दिख रहा था कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है। खैर ये पूरा केस था DHFL और यस बैंक के बीच के हुए घालमेल का।
तो सवाल ये आता है कि हिंदुस्तान को तकलीफ कहाँ आ रही है कंपनीज के मामले में। तो एक तकलीफ का एक बहुत बड़ा वजह है कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ये कॉरपोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, देखिए इसको ऐसे मानिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हम सब जानते हैं मुकेश अंबानी है। तो क्या मुकेश अंबानी सबसे बेहतर व्यक्ति भी हैं उस कंपनी को चलाने के लिए? शायद है, शायद नहीं भी। यानी मालिक होने का मतलब एक अच्छा मैनेजर होना जरूरी नहीं होता। यानी इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, एक एक सत्य हो सकता है कि मालिक और मैनेजमेंट अलग रहे। मालिक का काम सिर्फ कमाई में हिस्सेदारी रहे, वो मैनेजमेंट के हिस्सा ना बने और मैनेजमेंट किसी और व्यक्ति को दिया जाए। इस चीज़ को कॉरपोरेट गवर्नेंस कहते हैं। लेकिन भारत में इसकी भारी कमी है। अगर हम किसी कंपनी के मालिक हैं, किसी धंधे के मालिक हैं, तो हम किसी और को उसका मैनेजमेंट चलाने नहीं देते। और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं इसके कारण बहुत सारी तकलीफें आ रही हैं, चाहे वाधवन ग्रुप का DHFL हो या फिर राणा कपूर का यस बैंक। दोनों में कहीं ना कहीं ये कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू हैं। अगर मालिक की जगह कोई एक सक्षम ईमानदार मैनेजमेंट होता तो शायद ऐसी हरकतें नहीं होती। खैर आज का वीडियो यहीं तक। लेकिन हाँ एक छोटी सी चीज़, DHFL वाधवन ग्रुप कंपनी थी। वाधवन की एक कंपनी और है जिसका नाम है HDIL, और उन्होंने भी एक बैंक डुबोया है, और जिस बैंक का नाम है PMC यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। तो उसकी कहानी किसी और दिन। खैर तब तक आपके सुझाव और कोई भी आपकी कंप्लेंट आमंत्रित है। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।